टीवी इंडस्ट्री में कई स्टार्स कपल के बीच लड़ाई झगड़े हुए, ब्रेकअप भी हुआ, पर उन्होंने पैचअप कर ऐसे अपने रिश्ते को संभाल लिया जिसकी भनक तक उन्होंने किसी को लगने नहीं दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं जब छोटे पर्दे के कुछ हॉट स्टार्स कपल के बीच दर्दनाक अजीब और गरीब ब्रेकअप हुए तो उन्होंने अपने पार्टनर पर मीडिया में काफी हंगामा किया था। तो आखिरकार कौन कौन से हॉट स्टार कपल और कब, क्यों, कैसे उनका ब्रेकअप हुआ और क्या क्या खुलासे उन्होंने अपने लव पार्टनर को लेकर किए, चलिए आपको बताते हैं। नंबर एक, उर्फी जावेद और पारस कलनावत। सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद और पारस कलनावत कई साल तक रिलेशनशिप में थे, पर कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। बता दें, उर्फी ने पारस पर सन की बॉयफ्रेंड होने का आरोप लगाया था और रिलेशनशिप को चाइल्डहुड मिस्टेक बताया था। नंबर दो, सारा खान और अली मर्चेंट। बिग बॉस के घर में धूमधाम से एक्ट्रेस सारा खान और अली ने शादी थी, लेकिन शो खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि सारा ने अली पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि यह शादी महज पब्लिसिटी स्टंट थी। नंबर तीन, संजीदा शेख और आमिर अली। टीवी के हॉट कपल थे संजीदा शेख और आमिर अली, जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते थे, जिसके चलते इनकी शादी खूब चर्चाओं में रही थी। पर साल 2020 में खबरें आई कि आमिर और संजीदा के बीच में कुछ ठीक नहीं है और फिलहाल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। नंबर चार, ऋतिक धनजानी और आशा नेगी। टीवी के कॉमेडी अभिनेता ऋतिक धनजानी और आशा नेगी कई साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिन्हें अक्सर मीडिया के सामने प्यार जताते हुए देखा जाता था। हालांकि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया था। नंबर पांच, जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर। साल 2012 में खूबसूरत एक्टर जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की शादी हुई थी, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनकी शादी ठीक से 2 साल भी ढंग से नहीं चल पाई और इनका तलाक हो गया, जिन्होंने अपने तलाक के बाद यह स्टेटमेंट दिया कि यह शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर छह, करण कुंद्रा और कृतिका कामरा। कितनी मोहब्बतें हैं सीरियल से एक दूसरे से इश्क लड़ाने वाले अभिनेता करण कुंद्रा और कृतिका कामरा का अफेयर खूब चर्चाओं में रहा था, लेकिन जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि कृतिका ने करण पर और भी कई सारे अफेयर होने का इल्जाम लगाया था। नंबर सात, शालिनी भनोट और दलजीत कौर। 2009 में टीवी एक्टर शालिनी भनोट और दलजीत कौर की लव मैरिज हुई थी, जो कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ऐसे में इन्हें एक बेटे के पेरेंट्स बनने का भी आशीर्वाद मिला था, लेकिन साल 2015 में तलाक के साथ इनकी शादी टूट गई, क्योंकि एक्ट्रेस ने शालिन पर मारपीट का आरोप लगाया था। नंबर आठ, दिव्यंका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा। यह मोहब्बतें फेम एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा का रिलेशनशिप एक नहीं बल्कि 8 सालों तक चला था, पर 8 साल बाद जब इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई तो सभी इनके ब्रेकअप की खबर को सुनकर दंग रह गए थे। शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप होने के बाद दिव्यंका त्रिपाठी इस कदर टूट गई थी कि इन्होंने तांत्रिक और झाड़ू फूंक वालों तक का सहारा लिया था। साथ ही शरद पर इन्हें चीट करने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, आपको किस कपल के जुदा होने पर सबसे ज्यादा दुख है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।